हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं आपको दिखाऊंगी कलियों वाले ब्राइडल लहंगे की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अगर उससे पहले आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मैं अपने नए नए डिजाइन आप सबके साथ शेयर कर सकूं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ मेजरमेंट बता देती हूँ, जिस हिसाब से आपने कली कट करनी है और कितनी कलियां कट करनी है। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। हमारे पास जो रेडी लेंथ है स्कर्ट की, वो हमारे पास है 40 इंचेस, जिसमें 1 इंच की हमारी ऊपर बेल्ट आ जाएगी। तो मैं जो कली की लेंथ कट करूंगी वो भी 40 इंचेस करूंगी। 40 इंचेस अगर हम लेंथ कट करेंगे कली की, उसमें 1 इंच की बेल्ट ऐड करेंगे तो 41 इंचेस आ जाएगा। सिलाइयों में दबने के बाद ऊपर से नीचे, क्योंकि लेस लगनी है और ऊपर हमारी बेल्ट आनी है, तो सिलाइयों में दबने के बाद हमारे पास 40 इंचेस ही रेडी आ जाएगी लेंथ। तो हमारे पास जो वेस्ट का साइज है वो 50 इंचेस है, रेडी है वो। हिप के साइज की इसमें जरूरत नहीं होती, क्योंकि नीचे से तो फ्लेयर ही आ जाता है, इसलिए हमारे पास वेस्ट का साइज होना जरूरी है। तो फ्रंट और बैक का जो वेस्ट का हमारे पास साइज है वो 25 एंड 25 इंचेस, यानी कि 50 इंचेस हमारे पास रेडी आ गया है। तो अब मैं कली और पैनल का साइज आपको बताती हूँ। तो हमारे पास जो कली का साइज है वो ऊपर से जो साइज आएगा कली का 2.5 इंचेस रेडी आएगा। तो मैं यहाँ पे 3 इंच की कली ऊपर से कट करूंगी। तो मैंने जो कली कट करनी है वो ऊपर से 3 इंच की और नीचे से 10 इंच की कट करूंगी। तो ऊपर से हमारे पास आ जाएगी 2.5 इंचेस की रेडी आ जाएगी, और नीचे से हमारे पास 9 इंचेस की कली रेडी आ जाएगी। क्योंकि दोनों तरफ से ये सिलाइयों में दबती है, इसलिए दोनों का मार्जिन मैंने कट करके आपको बताया है। तो अब हमारे पास आता है सबसे मेन पॉइंट, नंबर ऑफ कलीज, कि हमें कितनी कलियों की जरूरत होती है हमारे वेस्ट के साइज के अकॉर्डिंग। तो मैं आपको बताती हूँ, हमारे पास जो 50 इंचेस रेडी रखना है हमने, तो इसको 2.5 इंचेस की मैंने कली देनी है ऊपर से। आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो, अपने फैब्रिक के अकॉर्डिंग। मैं 2.5 इंचेस की, यानी कि 2.5 इंच की कली ऊपर से मैं दे रही हूँ। तो मैंने 2.5 को डिवाइड करना है, 50 को डिवाइड करना है 2.5 के साथ, तो मेरे पास आ जाएगा 20 कलियां आ जाएंगी मेरे पास। एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, इसमें हमारी 10 कलियां आगे की आ जाएंगी और 10 पीछे की आ जाएंगी। इसमें जो हमारा वेस्ट का साइज है उसको मैंने कली के साइज के साथ डिवाइड किया है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कलियां। तो हमारे पास आ गया नंबर ऑफ कलीज, यानी कि 20 कलियां मुझे रेडी करनी है, तो 10 आगे की और 10 पीछे की। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ, अगर आपकी 40 इंचेस वेस्ट है, 40 को अगर आपने 3 इंच की कली ऊपर से देना चाहते हो तो 3 से डिवाइड कर लो, अगर 2.5 इंच की देना चाहते हो तो आप 2.5 से डिवाइड कर लो। कभी कभी कई लोग 1.5 इंच की भी कली ऊपर से देते हैं, इतनी बारीक बारीक, क्योंकि उनको फ्लेयर ज्यादा चाहिए होती है, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी 1.5 इंच को डिवाइड कर सकते हो। जितना आपके पास आंसर आएगा तो वो आपकी नंबर ऑफ कलीज होंगी, आपने उतनी कलियां कट करनी है और उतना ही जो आपको साइज रेडी चाहिए वो आ जाएगा आपका साइज। तो जो एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, 40 इंचेस को हमने 3 इंच की कली के साथ डिवाइड किया है, तो मेरे पास 13.5 आ रहा है। तो 13.5 इंचेस की कलियां तो नहीं आ सकती 13.5 की, तो हमारे पास 14 कलियां आंसर है इसका। नंबर ऑफ कली हमारे पास 14 है, 7 आगे की और 7 पीछे की। आप इस तरह से अपने वेस्ट के साइज को कली के साइज के साथ डिवाइड कर सकते हैं, तो आपके पास आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ कलीज। तो चलिए अब हम अपनी कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग कढ़ाई वाला फैब्रिक भी ले सकते हो, मैंने ये प्लेन फैब्रिक पे लेस के साथ इसकी डिजाइनिंग देनी है लहंगे की। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं फैब्रिक में से लेंथ कट कर लूंगी, मैंने इसकी 40 इंच लेंथ रेडी करनी है। तो मैं सबसे पहले फैब्रिक में से अपनी लेंथ कट कर रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग फैब्रिक ले सकते हो। मैं 5-6 मीटर फैब्रिक ले रही हूँ, बिकॉज मुझे फ्लेयर ज्यादा चाहिए। तो सबसे पहले मैंने उसमें से लेंथ कट करनी है, जो मैंने आपको बताया मैंने 40 इंच रेडी करनी है। तो मैं कली के लिए 40 इंच ही लेंथ में लूंगी फैब्रिक, क्योंकि 1 इंच की हमारी ऊपर बेल्ट आ जानी है। ये बेल्ट वाला मैं स्कर्ट रेडी कर रही हूँ, तो यहाँ पे मेरा 1-1.5 इंच फोल्डिंग पे मार्जिन जाएगा, जहां पे हमने लेस अटैच करनी है, इसलिए मैंने 40 इंच ही फैब्रिक की लेंथ ली है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब मैं यहां से
मैंने इसको डबल फोल्ड करके रखा है फैब्रिक को, बिकॉज मुझे दो कलियां एक साथ कट करनी है, इसलिए अब मैं यहां से लूंगी। आपको जितनी कली की फ्लेयर देनी है, मैं यहां से 10 इंच पे मार्क कर रही हूं। इस तरीके से मैंने ऊपर से भी 10 इंच लेना है सेम। अब 10 का मैं हाफ यानी कि 5 इंच पे मार्क करूंगी ऐसे। अब मुझे जो ऊपर से कली देनी है वो मैं 3 इंच की ले रही हूं। तो ऊपर से जो मैंने सेंटर लिया है 5 इंच का, उसको मैंने सेंटर में रख के 1.5 इंच इधर और 1.5 इंच इधर मार्क करना है 3 इंच, जिसमें से हमारा 2.5 इंच रेडी आ जाएगा। अब मैं ये वाले कोने से, जैसे मैंने 10 इंच मार्क किया था, इसको ऐसे मिलाऊंगी। आप चाहो तो स्केल के साथ भी रख के मार्क कर सकते हो, या इंची टेप के साथ ऐसे सीधा सीधा बिल्कुल इसको मार्क करना है हमने। और इधर से हम इस कोने तक मार्क कर देंगे। तो अब मैं अपनी मार्किंग को डार्क कर रही हूं। ये हमारा बेल्ट वाली साइड से जो कली है वो 3 इंच की ली है मैंने, और नीचे फ्लेयर वाली साइड से 10 इंच की, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। नीचे से हमारी 9 इंच के करीब रेडी आ जाएगी, और ऊपर से हमारी 2 इंच के करीब, 2 से ज्यादा भी आ सकती है, 2.25 या 2.5 भी आ सकती है, वो आपकी स्टिचिंग के ऊपर डिपेंड होगा। मैं यहाँ पे 2.5 इंच की रेडी करूंगी कली, सिलाइयों में कम दबा के। तो ऐसे मैंने कली को मार्क कर लिया है। अब मैं इसको कट कर लूंगी, अपनी मार्किंग के साथ साथ मैंने इसको कट कर लेना है। ये मेरी 2 कलियां एक साथ कट कर रही हो रही है। तो ऐसे ही हमारी कली कट हो चुकी है। अब एक कली को हम ऐसे उठाएंगे, ऐसे उल्टा रख देंगे। तो ऐसे हमारे कम फैब्रिक में से ज्यादा कलियां निकल सकती हैं। तो अब इसको इस तरीके से रख के मैं इसके साथ साथ कट कर दूंगी। तो ऐसे ही मैंने अपनी सारी कलियां कट कर लेनी है जितनी मुझे देनी है। तो ऐसे मेरी 2 कलियां और कट हो चुकी हैं। इसी तरीके से मैं फैब्रिक को रखते हुए और अपनी एक कली को ऊपर रखते हुए सारी कलियां बराबर की कट कर लूंगी। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया था, ये मैंने अपनी 1 साइड की कलियां कट कर ली हैं, 10 कलियां। तो जैसे 10 कलियां मैंने आपको बताई थी, ऐसे आ जाएगा, इतना फ्लेयर आएगा 10 कलियों का। ये आगे का है और इतना ही पीछे का भी होगा। तो हमारा लगभग 2.5 मीटर के करीब आगे का और 2.5 पीछे का, यानी टोटल 5 मीटर का फ्लेयर हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे ऊपर 1 इंच की बेल्ट आ जाएगी हमारी, और यहाँ नीचे मैं लेस का बॉर्डर दूंगी 4-4 इंची का। तो ऐसे हमारा ब्राइडल लहंगा ये रेडी हो जाएगा। अब मैं आपको इसको स्टिच करके दिखाती हूँ कलियों को आपस में। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। ऐसे ये हमारी कली की ऊपर वाली साइड है। अब मैं यहां से इसको 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए, 1/2 से भी थोड़ा सा कम स्टिच कर दूंगी एक दूसरे के साथ। अगर आपके फैब्रिक में उल्टी सीधी साइड है तो आप ध्यान में रखिए, सीधी साइड एक दूसरे की तरफ होनी चाहिए और ऐसे सिलाई लगनी चाहिए इक्वल रखते हुए। ऐसे हमने इसको नीचे तक स्टिच कर लेना है, और ऐसे ही इसके साथ साथ रखते हुए सारी कलियों को स्टिच कर लेंगे।
तो ये हमारी सिलाई ऐसे लगी है नीचे तक। अब हम इसको ऐसे खोल के, अब इसके साथ यहाँ पे एक कली और रख के ऐसे स्टिच करते जाएंगे हम। ऐसे मैंने सारी कलियां स्टिच कर ली हैं। अब मैं इसके साथ एंड वाली दो कलियां स्टिच कर रही हूं। तो ऐसे ऊपर रख के मुझे ये भी स्टिच कर लेनी है आपस में। तो ऐसे ही हमारी कलियां जुड़ चुकी हैं आपस में। मैंने इनको स्टिच करके आयन कर लिया है अच्छे से। ये मेरा एक फ्लेयर हो गया, ये दूसरा फ्लेयर, दोनों फ्लेयर मेरे इस तरह से जुड़ चुके हैं। अब मैं इसमें पहले लेस का बॉर्डर लगाऊंगी, वो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। ये मेरे फ्लेयर का नीचे वाली साइड है घेरे की। अब मैं यहां से ऐसे उल्टी साइड लेनी है मैंने स्कर्ट की, और लेस को ऐसे रखते जाना है। ऐसे सिलाई लगा दूंगी मैं, देन आफ्टर इसको ऐसे पलट दूंगी तो ये ऐसे आ जाएगी। ये यहाँ पे जो सिलाई है मैं कटवर्क से ऊपर लगा रही हूँ, बिकॉज कटवर्क मुझे नीचे की साइड दिखाना है अलग से। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये पलटने के बाद कैसे आएगा बाहर की तरफ हमारा कटवर्क। ऐसे मैंने अपनी सारी लेस को स्टिच कर लेना है उल्टी साइड पे रखते हुए। तो ऐसे मैंने उल्टी साइड पे सारी ऐसे ही लेस लगा लेनी है उल्टी साइड को, तो ये सीधी साइड में ऐसे आ जाएगी। अब मैं इस लेस को ऐसे ऊपर करके यहाँ पे किनारे की सिलाई लगा दूंगी, तो ये पीछे से भी गुम हो जाएगी और ऊपर से ऐसे फिनिशिंग के साथ भी लग जाएगी। तो ऐसे मैंने सारी लेस स्टिच कर ली है, ये सीधी साइड है। अब मैं इसको ऐसे घुमा दूंगी लेस को और यहाँ पे किनारे की सिलाई लगा दूंगी, तो ये हमारा नीचे कटवर्क आ जाएगा ऐसे घेरे पे, और यहां पे ऊपर हम किनारे की सिलाई लगा देंगे। तो इस पे लेस लगा ली है मैंने इस तरीके से, सारे फ्रंट और बैक के फ्लेयर में मैंने ऐसे लेस लगा ली है। तो मैंने इसके नीचे लाइनिंग भी स्टिच कर ली है। लाइनिंग मैंने ए शेप में कट की है। मैं लाइनिंग में कलियां नहीं दे रही, कुछ लोग होते हैं लाइनिंग में भी कलियां दे देते हैं, बट मैंने लाइनिंग ए शेप में कट करके इसके साथ स्टिच कर ली है। फ्रंट पल्ले के साथ बराबर की लाइनिंग और बैक पल्ले के साथ भी सेम इसी तरीके से। अब मैं यहां से ऊपर से बेल्ट लगाऊंगी, ये इसमें हमारी फुल बेल्ट आएगी। तो हुक के लिए भी हमें मार्जिन चाहिए होगा बेल्ट में, इसलिए मैंने ज्यादा लिया है। 25 इंचेस मुझे रेडी करनी है और मैंने 30 इंचेस की बेल्ट कट की है। ये मैंने बेल्ट रेडी की है। अगर आप इसकी भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन प्रेस करके या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसे देख सकते हैं आप। तो ये ऐसे, ये मेरे लहंगे की सीधी साइड है ऊपर कमर के साइड से, और ऐसे मैंने बेल्ट को अंदर की तरफ रखना है और यहाँ आधे इंच का मार्जिन लेते हुए ऐसे सीधी स्टिच कर लेनी है। तो ऐसे मैंने नीचे की तरफ बेल्ट को रखते हुए आगे और पीछे पल्ले में एक जैसे अटैच कर लेनी है बेल्ट को। जो बेल्ट में एक्स्ट्रा मार्जिन है मैं उसको स्टिच कर रही हूँ। तो ऐसे मैंने बेल्ट को सारे फ्लेयर के ऊपर ऐसे स्टिच कर लेना है, देन आफ्टर मैं ऐसे पलट के यहाँ पे किनारे की सिलाई दे दूंगी, तो हमारी बेल्ट ऐसे आ जाएगी ऊपर की तरफ। तो ऐसे मैंने आगे की बेल्ट को स्टिच कर लिया है पूरी तरह से। इसी तरह से मैं बैक वाली साइड की भी बेल्ट को ऐसे ही स्टिच कर लूंगी। ऐसे हमने आगे और पीछे की बेल्ट को स्टिच करने के बाद इन दोनों को आपस में स्टिच करना है, आगे और पीछे की साइड को। तो ऐसे मैं बेल्ट से भी इन दोनों को आपस से ऐसे स्टिच कर रही हूँ। ऐसे मैंने कर दिया इसको स्टिच नीचे तक इंक्लूडिंग लेसेस। तो ऐसे मैंने एक साइड से पूरा स्टिच कर देना है नीचे तक, लेसेस तक मैंने पूरा नीचे तक स्टिच कर दिया है इसको। ये देखिए मैंने यहां तक इसको नीचे तक स्टिच कर दिया है ऐसे। और दूसरी साइड मैंने आपको बताया मैंने जिप के लिए थोड़ा सा ओपन छोड़ना था,
तो एक साइड से मैंने जहां से आपको बोला है लेफ्ट साइड से आप इसको थोड़ा सा ओपन छोड़ के जिप भी लगा सकते हो। अगर आपको जिप नहीं लगानी आती है तो आप नीचे की तरफ पट्टी देके उस पे हुक वाली आई बना के हुक भी लगा सकते हो। बेल्ट ऐसे लग चुकी है, ये मेरा एक्स्ट्रा मार्जिन है बेल्ट का जो मैंने आपको बताया था 3-4 इंच ही आपने ज्यादा लेना है क्योंकि इसमें हुक लगेगी हमारी। मैं यहाँ पे हुक लगा दूंगी तो ये हमारी स्कर्ट रेडी हो जाएगी। तो ये हमारी ऐसे हुक लग चुकी है और एक्स्ट्रा मार्जिन को अंदर की तरफ फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगा दी है मैंने, तो ये ऐसे आ जाएगी। तो ये यहाँ पे मैंने ऐसे 3 हुक लगाई हैं। आप लूज टाइट करने के लिए कोई भी किसी पे भी टाइट कर सकते हो, यहाँ पे टाइट कर सकते हो, यहाँ पे लूज कर सकते हो, किसी पे भी टाई कर सकते हो। तो ऐसे ये हमारा लहंगा या स्कर्ट आप कुछ भी बोल सकते हो वो रेडी हो चुका है और काफी फ्लेयर आई है इसकी। तो हमारा ये लहंगा ऐसे रेडी हो गया है। मैंने इसके साथ एक क्रॉप टॉप रेडी किया है ये इस टाइप का। तो ये होगी हमारी फाइनल लुक। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे।